किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले इसकी मशीनरी के बारे में जानना ज़रूरी है। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेज। और आज हम ऐसे ही आयुर्वेदा में यूज़ होने वाली एक मशीन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मिक्सर। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मिक्सर। यंत्र उपकरण में हमने इससे पहले काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे मिक्सर क्या होता है। सो लेट मी स्टार्ट कि द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स कॉल्ड मिक्सिंग, कि जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है, जो प्रोसेस होती है दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स के ब्लेंडिंग की, उसको मिक्सिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस पार्टिकल ऑफ वन मटीरियल इज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड विद पार्टिकल ऑफ अनदर मटीरियल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मटीरियल का जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंट फॉर्म में मिक्स हो जाता है दूसरे जो अनदर मटीरियल है उसके पार्टिकल्स में। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेट ऑफ मटीरियल लाइक सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड आर ब्लेंडेड बाय मिक्सिंग, कि काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं एक कोई भी मैटर होता है लाइक सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड। तो इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, जैसे मान लो कि मुझे कोई एक मेरे पास में सॉलिड मटेरियल है, एक मेरे पास लिक्विड मटेरियल है, और मुझे दोनों की मिक्सिंग करनी है, दोनों को ब्लेंड करना है, तो ये पॉसिबल है मिक्सिंग से। तो मैं इन दो अलग अलग स्टेट्स को या तीन अलग अलग स्टेट्स को एक साथ ब्लेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट द थिंग इज़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर लिक्विड मटीरियल मिक्सिंग, कि लिक्विड मटीरियल मिक्सिंग के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में आते हैं, दैट इज़ शेकर मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर, प्रोपेलर मिक्सर, पैडल मिक्सर। नेक्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर सॉलिड मटीरियल मिक्सिंग, जो कि हमारे मोस्टली ये ड्रग्स फॉर्मेशन में काम आते हैं, विच इज़ मोर्टार एंड पेस्टल, पाउडर एंड मास मिक्सर, स्पैचुला, टम्बलर मिक्सर, सीव्स और एजिटेटर मिक्सर्स। तो ये हमने फॉर्म से कि लिक्विड मटेरियल में कौन सा मिक्सर काम आ रहा है या सॉलिड मटेरियल मिक्सिंग में कौन सा मिक्सर काम आ रहा है या मिक्सर किसे कहते हैं। अब हम एक एक स्टेप वाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स को पढ़ेंगे कि उनका मैकेनिज्म क्या होता है या उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा मिक्सर है पाउडर एंड मास मिक्सर। पाउडर एंड मास मिक्सचर है, ये मिक्सिंग में काम आता है ड्राई और वेट मटेरियल की मिक्सिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके सामने एक डायग्राम है पाउडर एंड मास मिक्सर का। इसमें कोई भी पाउडर या कोई भी मास की मिक्सिंग होती है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सर है टम्बलर मिक्सर। टम्बलर मिक्सर इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ मिक्सर। द यूज़ ऑफ टम्बलर मिक्सर इज़ फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग ऑफ पाउडर। लार्ज स्केल पे काम आता है ये मिक्सर, जब हमें बहुत लार्ज स्केल में मिक्सिंग करनी हो पाउडर की। इसका प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिव मिक्सिंग, वेयर दे आर बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पाउडर टू अनदर पाउडर। ये कनेक्टिव मिक्सिंग के बेसिस पे वर्क करता है इसका प्रिंसिपल, कि जब बल्क मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का एक पाउडर से दूसरे पाउडर में, तो एक कनेक्टिव मिक्सिंग होती है, और इस प्रिंसिपल पर टम्बलर मिक्सर वर्क करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टम्बलर मिक्सर इज, इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ मेटालिक कंटेनर विच रोटेट ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस बाई मीन्स ऑफ मोटर। अभी हम आगे आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे तो आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो ये कॉमन टाइप का मिक्सर है, इसमें एक मेटालिक कंटेनर होता है जो कि रोटेट होता है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। जस्ट रिमेन दैट कि आपको ये याद रखना है कि किस एक्सिस पर टम्बलर मिक्सर रोटेट करता है, तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मोटर के थ्रू रोटेट करता है। जो मोस्ट पॉपुलर मिक्सर है, जो मोस्ट पॉपुलर टम्बलर मिक्सर है, वह ट्विन शेल ब्लेंडर विच इज़ वी शेप। तो इस वी शेप के जो भी टम्बलर मिक्सर है, इसका वी शेप होता है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है कि जब ये रोटेट करता है
तो मटेरियल कलेक्ट होता है बॉटम पे और वी स्प्लिट होता है दो पोर्शन में। हमें पता है कि वी होता है, वी के दो, हम कहें तो दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो वी आर स्प्लिट इन टू पोर्शंस। जब वी इन्वर्ट होता है, जैसे ही हमने अभी देखा कि जो मेटालिक कंटेनर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करता है, तो मींस वो जो वी शेप का मेटालिक कंटेनर है वो इन्वर्ट हुआ, तो जो भी मटेरियल है वो बॉटम से एपेक्स पर आ जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन है वो क्वाइट इफेक्टिव है। वाई? बिकॉज बल्क ट्रांसपोर्ट एंड शीयर फोर्स आर एनहेंस्ड, क्योंकि इससे जो बल्क ट्रांसपोर्ट है या जो शीयर फोर्सेज है वो एनहेंस होते हैं। टू इम्प्रूव एजिटेशन ऑफ पाउडर बेड, अ बार फिटेड विद ब्लेड्स विच रोटेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ब्लेंडर में बी अटैच्ड। यहाँ पर ब्लेंडर के साथ में ही अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेड्स भी अटैच्ड है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए। दी अदर टाइप ऑफ टम्बलर मिक्सर्स, कुछ और टाइप के टम्बलर मिक्सर बताए हैं। मोस्ट पॉपुलर तो हमने देखा कि ट्विनशेल ब्लेंडर वी शेप है, और हम और भी टाइप के टम्बलर मिक्सर्स देखें तो दिस इज ऑफ क्यूबिकल कोन, डबल कोन, वाई शेप्ड एंड सिलेंड्रिकल, यूज मे बी रोटेटेड ऑन एनी एक्सिस। ये अपनी कोई भी एक्सिस पर टर्न कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टम्बलर मिक्सर विच इज़ अ वी शेप टम्बलर मिक्सर। आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, आप डायग्राम देख लीजिए। अभी हमने देखा था कि जो टम्बलर मिक्सर है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ रोटेशन पे। तो ये कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है कि जब स्पीड स्लो होगी तो उसमें स्लाइडिंग कॉज होगी, टम्बलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब स्पीड हाई होगी तो इसमें एक सफिशियंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा और मिक्सिंग नहीं होगी। दी जो ऑप्टिमम स्पीड है वो है 3200 रेवोल्यूशन पर मिनट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टम्बलर मिक्सर। नेक्स्ट वन मिक्सर इज एजिटेटर मिक्सर। एजिटेटर मिक्सर क्या है? The mixers in which container to hold material is fixed and mixing is done by means of mixing screws, paddlers or blades. कि ये एक ऐसा मिक्सर है जिसमें कंटेनर में जो हमारा मटीरियल है वो एक फिक्स प्लेस पे रहता है, वो रोटेट नहीं करता, बल्कि इसमें मिक्सिंग जो होती है वो स्क्रूज, पैडल्स और ब्लेड्स के थ्रू होती है। मींस जो स्क्रूज हैं या पैडल्स हैं या ब्लेड्स हैं, जो भी ब्लेंडर्स हैं, उसके अंदर वो रोटेट करते रहते हैं और वो उस मीडियम के थ्रू जो मिक्सिंग है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। इसमें हमारा मटीरियल एक जगह फिक्स रहता है, वो रोटेट नहीं करता है। इसका यूज़ जो आता है वो यूज़ होता है मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ स्टिकी और प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। एंड इन दिस मिक्सर दी शीयर फोर्स इज़ वेरी हाई, इट्स सेट अप बिकॉज ऑफ ब्रेक लम्स और एग्रीगेट्स। मोस्ट पॉपुलर एजिटेटर मिक्सर है रिबन ब्लेंडर, एंड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इट इज, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टैंक विच यूजली ओपन्स एट टॉप, एंड स्पाइरल एंड हेलिकल ब्लेड्स आर अटैच टू शाफ्ट थ्रू मटीरियल इज पिक्ड अप बाय हेलिकल ब्लेड्स विच इज देन स्प्लिट बैक देयर बाय पार्टिकल्स आर मिक्स्ड। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एजिटेटर मिक्सर। और ये था कि पूरा उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टैंक होता है जो कि ऊपर से ओपन होता है, स्पाइरल और हेलिकल ब्लेड्स होती हैं जो अटैच होती हैं शाफ्ट के, जो मटेरियल को पिकअप करती हैं, हेलिकल ब्लेड्स पिकअप करती हैं और देन उसको स्प्लिट करके मिक्सअप करती हैं। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ एजिटेटर मिक्सर। रिबन ब्लेंडर है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि स्पाइरल और हेलिकल ब्लेड्स हैं जो कि मिक्सिंग के काम आती हैं। I hope that you like the video. Thank you. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से topics हैं जिन पे हम आपके लिए video बना सकते हैं।